नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंसर्ट कमांड इन द एसक्यूएल सर्वर। तो एसक्यूएल सर्वर में आप इंसर्ट कोई भी डेटा को टेबल के अंदर इंसर्ट कैसे करेंगे क्यूरी के जरिए, और उसी क्यूरी को हम वीवीएस से कैसे ट्रिगर करेंगे, ये हम आपके इस क्लास में बताने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और मेरे बाकी वीडियोज अगर मान लीजिए कभी ढूंढना हो तो आप यूट्यूब पे जस्ट आईपीटी इंडिया को सर्च कीजिएगा, मेरे सारे वीडियोज आपको आ जाएंगे। जी हाँ, आईपीटी इंडिया एक फेमस कीवर्ड है मेरा, उसको सर्च कीजिए, आपके मेरे चैनल्स आपको दिख जाएंगे और मेरे सारे वीडियोज भी आपको दिख। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कमांड। तो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए डेटा हमारे है, इस डेटा में कुछ ऐड करना है, एक बार इस डेटा को ऐड करना है, इस डेटा में टेबल क्या क्या कॉलम से, एक बार या कॉलम देख लीजिए। तो कॉलम है नेम, रोल नंबर और मार्क्स। तो न्यू क्वेरी पर जाते हैं और यहां पे लिखते हैं इंसर्ट इनटू डेटा। मैं यहां से डेटा को सेलेक्ट कर देते हैं और ब्रैकेट में किस किस फील्ड में करना है, नेम आज हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं, कॉमा रोल कॉमा मार्क्स, और यहां पे हम वैल्यूज करेंगे और वैल्यूज के ब्रैकेट में अपने नाम, टेक्स्ट होगा तो उसको सिंगल कोट में लिखिएगा, जैसे कि नाम लीजिए, मान लीजिए मैं देता हूं इसमें छुट्टी। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर हमने दे दिया 3 और यहाँ पे हमने दे दिया 50। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ से जैसे एग्जीक्यूट करेंगे एक रो ऑफर्ड हो गया। अगर इसको देखना है तो मैं एक और ड्यू क्वेरी लेता हूँ, यहाँ से और यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार From data. और इसको एक्सक्यूट कर देता हूं। यहां देखिए सिटी हो गया, यहां पे आ गया। अब प्रॉब्लम यहां पर है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे डेटा अभी मेरे पास एक ही डेटाबेस है, वी डेटा। अगर आपके पास अलग अलग डेटाबेस, जैसे मैं 3-4 डेटाबेस हो तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा वीपी डेटा डॉट, इसमें टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, डीबीओ टेबल को लिखना पड़ेगा डीबीओ। यहाँ पे देखिए डेटाबेस डीबीओ दिखता है, डीबीओ डॉट डेटा तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका ध्यान आप लोग रखिएगा। अब बात आती है कि मेरे पास एक्सेल सीट के अंदर, मैं एक्सेल सीट पे जाता हूँ और एक्सेल सीट के अंदर मेरे पास एक फॉर्म है, जैसे कि हमने दे दिया नेम और रोल और मार्क्स। मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो दिख रहा है आपको 3 चीजें, और यहां पे मैं एक बटन क्लिक करूं जो सबमिट करूं, तो मेरा एक डेटा एसक्यूएल सर्वर में स्टोर हो जाना चाहिए, बटन पे क्लिक करूं। चलिए इसके लिए हम कोडिंग करते हैं, इंसर्ट मॉड्यूल से एक नया मॉड्यूल लेते हैं। अब एक ध्यान रखिएगा कि जब भी कोड करने से पहले आपको जाना होगा टूल्स में, ये आपका विजुअल बेसिक एडिटर है, इसके एडिटर के टूल्स में आप जाइए, टूल्स के रेफरेंसेस पे क्लिक कीजिए और माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट 2.0 जरूर कीजिए। नीचे आपको यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वाले यहाँ इसमें मिल जाएगा, ये नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा। फिर सब्जेक्ट हम यहाँ पे देते हैं सेंड एसक्यूएल के नाम से बनाते हैं। फिर यहाँ पे 3 वेरिएबल देते हैं, डिम सीओ एम कनेक्शन एज ए न्यू एडीओ कनेक्शन, एडीओ डीवी कनेक्शन। फिर एक और सेम डिम रिकॉर्ड सेट में हम आरईसी रिकॉर्ड सेट कर देते हैं एज ए न्यू एडी न्यू एडीओ डीवी डॉट
रिकॉर्ड सेट। और फिर डिम कमांड के लिए इसको कमांड लिखेंगे, सीएमडी कर देता हूं इसके लिए एज ए न्यू रेडियो डॉट कमांड। अब यहां पे हम करते हैं con.open। अब इसके लिए मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा कमांड कनेक्शन सेटिंग। तो सबसे पहले प्रोवाइडर डालना पड़ेगा कि प्रोवाइडर क्या है। प्रोवाइडर है हमारा SQL OLED DB। और फिर सॉरी यहाँ पे सेमी कॉलर डालना पड़ेगा, सेमी कॉलर। फिर डेटा सोर्स क्या है, डेटा सोर्स। और डेटा सोर्स में आपकी जो SQL का ए कनेक्शन ए है पाथ है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको डेस्कटॉप, ये जो नाम है IPTTL, इसको डालना पड़ेगा। अभी यहाँ इसको लिखने में हो सकता है दिक्कत हो तो मैं कनेक्शन को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और फिर कनेक्ट करता हूँ इसको, यहाँ पे दिख जाता है। इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पे हम VBA में पेस्ट कर देते हैं, सेमी कॉलम। अब इसमें एक इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी होता है वो डाल दीजिए, यानी इस बार मैं इसको डाल के नहीं देखता हूँ। मुसल ने बोला है कि इसको डालने की जरूरत नहीं है, इस बार मैं छोड़ देता हूँ, नहीं तो फिर डाल दू। फिर देता हूं cmd.commandText। अब कमांड टेक्स्ट क्या होना चाहिए, ऐसे तो होना चाहिए इंसर्ट इनटू जो भी है वो, यहाँ पे देता हूं कमांड टेक्स्ट इसमें होगा इनवर्ट कॉमा में इंसर्ट इनटू। लेकिन यहां पे मुझे डेटाबेस के साथ लिखना पड़ेगा वीटी डेटा डॉट डीबीओ डॉट डेटा, उसके बाद ब्रैकेट में इसकी टिल नेम, तो है नेम रोल और मार्क्स, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। और इसके बाद वैल्यूज ब्रैकेट ओपन, और फिर इसकी जो वैल्यू है कहां से उठ के आएगी, यहाँ इस से उठ के डीबी से B1 B2 B3। तो इसमें कौन कटा डेट लगेगा, लिखेगा सॉरी यहाँ पे याद रखिएगा टेक्स्ट है तो सिंगल कोड लगा देता हूँ यहाँ पे। फिर एम्परसेंट में रेंज B1 dot value, फिर कॉन्कैट, फिर SQL लैंग्वेज लिखना होगा ना, सिंगल कोड कॉमा, फिर रेंज यहाँ पर क्या है B2 B3, हाँ B2 dot value, इन्वर्टर में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कॉमा देना होगा और फिर इसके अंदर देना होगा रेंज B3 dot value और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है। तो कमांड लाइन लिखा गया हमारा, और चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सेट REC रिकॉर्ड सेट डॉट एग्जीक्यूट, सॉरी इसमें सीएमडी का नाम है, हाँ सीएमडी cmd.execute और ब्रैकेट में दो कॉमा, और यहां पे हम रिकॉर्ड सेट एज ए लॉन्ग -1 कर देता हूं।
और मैसेज बॉक्स में एमएसजी बॉक्स डेटा सेट। इसमें कुछ गलतियां होगी क्योंकि कुछ हमने फिगर चेंज किए हैं चेक करने के लिए, क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझे इस बात को पूछा था, इसलिए बोला ना। यहाँ पे आपको सबसे पहले सिक्योरिटी है ना, इनवैलिड ऑथराइजेशन स्पेसिफिकेशंस ऑथराइजेशन नहीं दिया इसमें हमने, तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा इंटीग्रेटेड इक्वल टू SSPI। अब सही है, हाँ यहाँ भी दिक्कत है, यहाँ पड़ेगा ADCMDEXT टेक्स्ट। Insert into data as the name of marks values. Close हो गया। एक मिनट मैं यहाँ पे delete SQL as a string. SQL equal to ठीक है, insert into DT any data name role mark insert into VT data DB data name roll marks उसके बाद bracket close values VLE various values यहाँ एक मिनट इसमें क्या था पूजा one 652 ओके लास्ट में हमने शायद ये नहीं डाला, द कनेक्शन कैन नॉट बी यूज द परफॉर्म द ऑपरेशंस इट इज ईदर क्लोज और इन वैलिड कॉन्टेक्स्ट कनेक्ट। एक छोटी सी बेवकूफों वाली हरकत कर दी थी सर मैंने। बेसिकली कमांड कनेक्शन होने के बाद हमने सीएमडी को असाइन ही नहीं किया, तो हमें यहां लिखना पड़ेगा सीएमडी डॉट एक्टिव कनेक्शन इक्वल टू हमने बोला COM एक्टिव कनेक्शन है हमारा। अब मैं इसको एक बार रन करता हूं, डेटा सेंड, डेटा हमारा सेंड हो गया। अब मैं यहां इसको खाली कर देता हूं, पूजा वन एंड मार्क्स को यहां लिख देता हूं रेंज ए B1, B2, C2 डॉट क्लियर कंटेंट। तो यहाँ पे इसको हम बटन के जरिए असाइन कर देते हैं, बटन
से। और इसी को समझिए क्या है, पहले आप क्वेरी इसी को समझिए हमारा क्वेरी क्या रहता है। सबसे पहले हमने एक तीन वेरिएबल्स लिए कनेक्शंस के लिए, उसके बाद हमने लिखा कि सी ओन कनेक्शन डॉट ओपन, इसका प्रोवाइडर इसका डेटा होना चाहिए, डेटा सोर्स का हमने पूरा पाथ दे दिया और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी में SSPI दे दिया क्योंकि मेरा विंडो ऑथेंटिकेशन है इसलिए ऐसा दिया है। अब स्केल में यहाँ पे हमने दिया इंसर्ट इनटू डेटा टेबल और हमने इसका नाम दे दिया वैल्यूज, और हमने अब क्या कि मुझे इस तरह के प्लेटफॉर्म में लिखना होगा क्योंकि SQL जो है इस तरह के प्लेटफॉर्म पे वर्क करेगा ना, इसलिए हमने इसको कॉन्कैटेनेट लेके रेंज के साथ कंबाइन करके इसको इस तरह से बना दिया कि पूरा एक इस तरह से दिखे कि बीटी डेटा रोल नंबर इस तरह से दिखे। फिर हमने बोला कमांड सी कमांड पे SQL है और RLC को हम सिलेक्ट लाया और डेटा हमारे सामने। तो आप भी इसी तरह से SQL कमांड को यूज कर सकते हो और आगे ये चीज देखने के लिए हम हमारे साथ बने रहिएगा। अगले में बताएंगे कि पूरी की पूरी डेटा टेबल को कैसे हम स्टोर करेंगे। तो अगली वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग सीखना है तो आप मुझे कॉल कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।